एक गांव में चांदनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। पैसे कमाने के लिए तरह तरह के व्यापार करती थी। सभी व्यापारों में नुकसान आकर आखिर में बतखों को पाल के उनके अंडे बेचने लगी। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन उसके आंखों के सामने एक बतख सोने का अंडा रखती है। उसे देखकर चांदनी आश्चर्य से, मेरी आंखों ने धोखा तो नहीं किया ना? ऐसे आश्चर्य होकर उस अंडे को पकड़ के देखती है। वो सच में सोने का अंडा है। हे भगवान, ये साधारण अंडा नहीं है, सच में ये सोने का अंडा है। भगवान ने मेरे कष्टों को देखकर शायद दिया होगा। इसे ले जाकर बेचने से बहुत पैसे आएंगे, तब मैं आराम से रह सकती हूँ। ऐसे सोचकर तुरंत उस अंडे को लेकर बहुत आशाओं से सोने के दुकान को जाने लगती है। रास्ते में ऐसे सोचने लगी, इस सोने के अंडे को पता नहीं कितने पैसे आएंगे, उन पैसों को मैं छुपा के रखूंगी। ऐसे सोचकर एक सोने की दुकान को जाती है। दुकानदार ने, तुझे क्या चाहिए? मेरे पास एक सोने का बतख का अंडा है, क्या आप उसे लोगे? क्यों नहीं लूंगा, जरूर लूंगा। ऐसे कहने पर चांदनी तुरंत अंडा निकालकर दिखाती है। उसे देख के दुकानदार को वो साधारण अंडे की तरह दिखाई देती है। उससे दुकानदार गुस्से से, क्यों लड़की, मुझसे मजाक कर रही हो क्या? साधारण अंडा लाकर सोने का अंडा कह रही हो? जाओ, जाकर उसे ऑमलेट बना लो। ऐसे कह के भेज देता है। तब चांदनी शौक होकर अंडा पकड़ के, ये क्या ऐसे कह रहा है? मुझे तो सुनहरी अंडा की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन उसे तो साधारण अंडा लगा। ऐसे सोचकर थोड़ा आगे जाने के बाद एक व्यक्ति सामने से पैदल आता हुआ दिखाई देता है। सुनिए, इस अंडे को देखने से आपको क्या लग रहा है? ऐसे कह के उसके हाथ में देती है। उसे पकड़कर वो व्यक्ति ने, इसमें क्या है, सभी अंडों की तरह ये भी है, ऐसे कहता है। उससे चांदनी फिर से आश्चर्य होती है। मतलब ये सिर्फ मेरे आँखों को ही सोने जैसे दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस पर विश्वास करके बेकार में मैं इतनी दूर आई। ऐसे सोचकर घर जाती है। अगले दिन बतख फिर से सोने का अंडा रखती है। उसे देखकर चांदनी ज्यादा आश्चर्य नहीं होती और उसे ले जाकर बाजू रख देती है। इस तरह दो दिन बाद गांव वालों को उस गांव का बुजुर्ग आदमी एक जगह बुलाता है। वहां सब लोग इकट्ठा होकर, गांव में पानी की समस्या है, बहुत दिनों से सरकार से कहने पर भी कोई लाभ नहीं है, इसीलिए हम सब लोग मिलकर गांव के बीच में एक बोर डालकर हम इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। सब लोग थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, पर चांदनी के पास पैसे नहीं थे और गांव को सहायता करने के लिए उसके सोने का अंडा वहां रखती है। ये देख के सब लोग शौक होकर सोने के अंडे के बारे में बातें करने लगे। तब उस बतख के सोने के अंडे को पकड़ कर, अरे सोने का अंडा, चांदनी, इस एक अंडे को बेचने से हमारे गांव की सभी समस्याएं मिट जाएंगे। ऐसे कह के सबके सामने तारीफ करता है। वो बात सुनकर चांदनी शौक होकर, ये क्या, अभी ये सबको सोने का अंडा जैसे दिखाई दे रही है? मतलब मेरे पास रहे दूसरा वाला भी सोने का ही होगा। ऐसे सोचकर चुपचाप वहां से घर जाकर उस अंडे को लेती है। इस बार दूसरे दुकान को जाकर बेच के आऊंगी। ऐसे दूसरे सोने के दुकान को जाती है। वहां जाने के बाद भी वही परिस्थिति होती है। वो साधारण अंडा कह के वापस भेज देता है। गांव की सहायता करने देने पर वो सोने जैसे सबको दिखाई दी, लेकिन मैं बेचने गई तो वो सबको साधारण अंडे की तरह दिखाई दे रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे सोच के आगे जाने लगी। इस तरह जाते समय दो बूढ़े पति पत्नी भीख मांगते दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर चांदनी को बहुत तरस आता है। दोनों बूढ़े पास आकर सहायता मांगकर हाथ फैलाते हैं, लेकिन चांदनी के पास पैसे नहीं रहते और तुरंत थैली में से अंडा निकाल कर देती है। वो अंडा उन बूढ़ों को चमकता हुआ दिखाई देता है। बेटी, ये सोने का अंडा हमारी जिंदगी को बदलेगी, तेरी सहायता हम कभी नहीं भूलेंगे, भगवान तुझे आशीर्वाद देगा। ऐसे कह के उस अंडे को ले जाते हैं। तब चांदनी को पूरा विषय समझ में आता है। मैं इस अंडे को स्वार्थ के लिए बेचने गई तो वो सोने की तरह दिखाई नहीं दी। अगर किसी की सहायता करने देने से वो सोना लग रहा है,
आगे से मैं मेरे सोने के अंडे को अच्छे कामों के लिए उपयोग करूंगी। इस तरह बतख के दिए सोने के अंडों को अच्छे कामों के लिए उपयोग करके अच्छा नाम कमाती है। दीमापुर नाम के गांव में चांदनी नाम की एक लड़की रहती थी। बहुत छोटी उम्र में ही उसके पिता का देहांत हो जाने की वजह से उसकी माँ सरला ही उसे पाल रही थी। माँ बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। इसके अलावा उनके परिवार में एक छोटा सा कुत्ता भी था। इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक शाम चांदनी पपी के साथ खेल रही थी। अंधेरा हो चला था, लेकिन आज उसकी माँ अभी तक घर नहीं लौटी थी। क्या हुआ ये सोचकर उसे चिंता हो रही थी। आज क्या हो गया पपी, माँ अभी तक वापस नहीं आई, मुझे घबराहट हो रही है, चलो हम चलकर देखें। जब वे रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने एक औरत को देखा जो चांदनी की माँ के साथ काम करती थी। वो दोनों तुरंत उसके पास गए। मासी, आज अभी तक मेरी माँ घर वापस नहीं आई, क्या तुमने उसे कहीं देखा? हाँ, तुम्हारी माँ अभी काम कर रही है, आज जरा देर से आएगी, उसने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा था, और ये भी कि तुम घर पर ही रहना, समझी? जब उसने ऐसे कहा तो चांदनी को जरा चैन आया और वो पपी को लेकर वापस घर चली गई। कुछ देर बाद उसकी माँ भी घर आ गई। अपनी माँ को देखने पर चांदनी को आज ऐसा लगा जैसे उसने माँ को पता नहीं कितने दिनों बाद देखा है। वो अपनी माँ के गले से लिपट कर रोने लगी। अरे चांदनी, क्या हुआ आज, रो क्यों रही है तू? हाँ माँ, तुम तो जल्दी आ जाती हो और आज इतनी देर हो गई, मैं डर गई थी, तुम्हें देखकर खुशी के मारे आंसू निकल पड़े मेरे, बस इतनी ही बात है। जब माँ चांदनी को रोते हुए देखती है तो उसके भी आंसू बह निकलते हैं। वो अपने प्रति चांदनी के प्रेम को समझ पाए। आज तो मुझे तेरी वजह से देर हुई रे, कल तेरा जन्मदिन है, भूल गई क्या? जन्मदिन की तो याद है, लेकिन मेरे जन्मदिन का तुम्हारी देरी से क्या संबंध है माँ? आज मैंने देर तक काम करके कुछ और पैसे कमाए ताकि अपनी राजकुमारी का जन्मदिन कल अच्छी तरह मना सकूं, बस इसीलिए देर हो गई। उसके ऐसे कहने पर चांदनी को लगा कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है और बोली, माँ मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मेरी माँ जैसी माँ मिल सकती है, मुझे छोड़कर तुम कभी नहीं जाना। कहाँ छोड़कर जाऊंगी मैं तुझे बेटी, अगर कभी जाना भी पड़े तो तू हिम्मत से रहना, ठीक है ना मेरी प्यारी बेटी? उसके ऐसे कहने पर चांदनी ने तुरंत फिर से अपनी माँ को पकड़ लिया। आइंदा मजाक में भी ऐसा मत कहना माँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चांदनी के फिर आंसू निकल आए, माँ ने उसे दिलासा दिया। इस तरह वो दिन बीत गया। अगले दिन चांदनी की माँ उसके जन्मदिन पर उसके लिए केक लेकर आई। उन्होंने केक काटा, एक टुकड़ा चांदनी ने खिलाया अपनी माँ को और दूसरा अपने पपी को जो खुशी से नाचने लगा। माँ आज आप पूरा दिन मेरे साथ रही, मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। चांदनी बड़ी खुश थी और अपने पपी के साथ खेल रही थी। ये देखकर सरला प्रसन्न हो गई। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। वो तीनों एक साथ रहकर बड़े खुश थे। अचानक सरला बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है और वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगी। चांदनी जैसे पागल सी हो गई, उसने सबसे बात करना बंद कर दिया। जब उसकी माँ ने उसकी हालत देखी तो, बेटी चांदनी इधर तो आ। चांदनी पास में आकर बैठ गई। ऐसा क्या हो गया रे, तू बात क्यों नहीं कर रही, डर क्यों रही है इतना? वो ऐसे कह ही रही थी, कुछ देर बाद ही चल बसी। चांदनी फूट फूट कर रोने लगी। माँ नहीं माँ, एक बार आँख खोल के मुझे देखो माँ। इस तरह वो रोती ही रही। उसे रोता देख पपी की आंखों से भी आंसू बह निकले। पड़ोसियों ने उसकी हालत समझी और उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया। माँ के साथ बेहद खुश रहने वाली चांदनी अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। दो दिन बाद चांदनी और पपी अपनी माँ की कब्र पर गए। कब्र के पास पहुंचने पर चांदनी फिर रो पड़ी। माँ ये क्या हो गया, तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, अब मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी, मुझे भी अपने पास बुला लो। वो लगातार रो रही थी। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। एक दिन हम सबको मरना है बेटी, शायद मैं जल्दी चली गई, निराश ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हिम्मत रख, निडर बन, अपने दम पर जीना सीख,
तो मैं जहाँ भी हूँ सुख से रह सकूंगी। तू इस तरह परेशान रहेगी, रोती रहेगी, तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर चांदनी ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, ठीक है माँ, मैं वादा करती हूँ आज के बाद रोऊंगी नहीं, अपना ख्याल रखूंगी। उसने कुछ देर वहाँ समय बिताया और फिर चली गई।